नमस्कार पशुपालक साथियों, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है जी जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेकर के आ रहे हैं जी गांव समालका जिला पानीपत हरियाणा रुद्र डेयरी फार्म से सचिन भाई के यहाँ से जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज की वीडियो में आप भाइयों को 5 जो पशुधन है अच्छी मिलक वाला जो पशुधन है वो दिखाएंगे। पूरी जानकारी है पशुपालक से लेते हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जैसे। और जी क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। पूरा एड्रेस बताइए भाई साहब अपना। समालका पानीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा जी। कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ। 80089807 जी भाई। और बताना चाहूँगा भाई दोपहर का समय है, लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है, टाइम और दिखा दो भाई ताकि कोई पशुपालक ये बोले भाई 11:30 हो गए। 11:31 है जी दोपहर के समय है भाई। और जो एक नंबर पे जो पशुधन है इसकी जो जानकारी है वो लेते हैं जी। जो एक नंबर पे है जी इसकी क्या कुछ डिटेल है? या भाई चौथे ब्यात में है बस। अच्छा। जय सिंह। और आज 10-11 दिन की भी आई है। अच्छा। और 16-17 किलो दूध तैयार है। 10-11 दिन की ब्याई में 16-17 किलो दूध तैयार है। तो ब्यात कौन सा बताया इसका? चौथा ब्यात है बताऊं। चौथे ब्यात में सींग थोड़ा खुला जरूर नजर आ रहा है, हाइट जो माध्यम है, लेकिन जो नीचे की क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं जी, बहुत ही जोशीला डरली हुए है। और आप अनुमान लगा करके चले भाई, जो 11:00 जो वीडियो कवर कर रहे हैं भाई, इस टाइम जो ऑर्डर है आप देख पा रहे हैं, शाम तक कितना ऑर्डर है जो ये पशुधन है वो बना करके आएगा। तो 16-17 किलो दूध मौके पे तैयार है। दार चुवाई में कैसी है भाई साहब? बहुत फुल्ली चुवाई है भाई। ये देखिए जो थनों का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा, और ये देखिए जी जो ऑर्डर है काफ़ी अच्छा साफ सुथरा जो पशुधन है भाई, हाइट मध्यम लंबाई जो है काफ़ी अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोशीले जो अडर का जो पशुधन है। बच्चा क्या है भाई साहब साथ में? मेल काफ है भाई। साथ में कटड़ा है। हाँ। कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? दूध भाई जय सिंह 18-19 किलो था तो पड़नी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। अभी कण का छटाव भी नहीं होया। अच्छा, अब मैले से भी नहीं लगी है? मैले पे नहीं लगी भाई। तो रेट क्या है जी? रेट और बताएं इसका देने वाला फिक्स प्राइस। उन्हें एक रेट फिक्स प्राइस है भाई इसका 1.5 लाख रुपये। 1,50,000 रुपये इसका रेट है। हाँ भाई। तो 18 से प्लस दे देगी? प्लस करेगी भाई। अच्छा अच्छा। 16-17 किलो दूध आज रेडी है? रेडी है। हाँ भाई जी। कोई भाई भी आओ, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम चाहो उतने टाइम चुवाई करके ले जा सकता। तो पूरी अपना संतुष्टि करके पशुधन को ले। हाँ भाई जी, जितना चाहे उतना टाइम अपने पशुधन की चुवाई करो, संतुष्टि करके पशुधन को ले जी। तो 2 नंबर पे है इसकी क्या कुछ डिटेल है भाई जय सिंह? या तीसरे ब्यात में ब्याई हुई जोटी है। अच्छा। ब्याई हो लिया 20-25 दिन की। 20-25 दिन की ब्याई होगी। हाँ भाई। तीसरे ब्यात की है। हाँ। बच्चा क्या है इसमें? इसके मेल काफ है भाई जय। साथ में कटड़ा है। हाँ भाई। दूध कितना है जी मौके पे? मौके पर दूध है इसमें 12 प्लस है। अच्छा, 12-13 किलो दूध है। कितने दिन की ब्याई बताई आपने? या 20-25 दिन की। 20-25 दिन की ब्याई है। हाँ। 12 प्लस इसमें दूध तैयार है। हाँ भाई। हाइट है वो भी काफी अच्छी, लंबेट है वो भी काफी अच्छी, और शरीर पे जस्ता हुआ सींग भाई अडर है भाई। दोपहर के समय वीडियो कवर कर रहे हैं और फिर भी आप भाइयों को थोड़ा नजदीक से दिखा देते हैं भाई, शाम तक बढ़िया ऑर्डर है वो इस पशुधन का देखने को मिलेगा भाई। तो इसका क्या कुछ मोल भाव होगा भाई साहब? इसने भाई जय सिंह 1,12,000 रुपये की दे। 1,12,000 रुपये की दे देंगे जी भाई जी। तैयार। जो 3 नंबर पे इसकी क्या कुछ डिटेल है भाई साहब? यह भी जय सिंह भाई तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में है। हाँ, ब्यात जेन्युइन है भाई साहब? जेन्युइन तीसरा भाई। अच्छा, तो कितने दिन की ब्याई होगी? यह भी भाई 18-20 दिन की ब्याई होगी। 18-20 दिन की ब्याई है। दूध कितना है इसमें? इसमें भी भाई 12-13 किलो दूध। 12-13 किलो दूध तैयार है। हाँ भाई जी। साथ में बच्चा क्या है इसमें? इसका फीमेल का फैसला है। साथ में कटड़ी है। 12 किलो दूध तैयार है भाई। हाँ। और हाइट लंबाई की ये भी अच्छी है जी। दार चुवाई में कैसी है भाई साहब? बहुत बढ़िया चुवाई है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल नरम चुवाई? बिल्कुल नरम चुवाई जी। साथ में कटड़ी है। तो इसका क्या कुछ रेट होगा भाई साहब? इसने 1,10,000 रुपये 1,10,000 रुपये की सेल करनी है। हाँ भाई जी। ये देखिए जी साफ सुथरा जो पशुधन है भाई, हाइट लंबाई का अच्छा, और किसी प्रकार से कोई अनबैलेंस भी नहीं नज़र आ रहा अडर में,
और जो भी बातें होंगी बिल्कुल क्लियर होंगी। भाई किसी पशुधन में कोई शक होगा तो आप भाइयों को ज़रूर बता दिया जाएगा। और जो चार नंबर पे है इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? भाई जय सिंह या 18-20 दिन की ब्याई हो लिया अभी। अच्छा, और दूध था इसमें 15 किलो। 15 किलो दूध था। हाँ, इस भैंस का यो पिछला पैर थोड़ा मुड़ गया था। अच्छा, तो इस वजह से दूध का बैक मैर जी फिलहाल दूध है 11-12 किलो। 11-12 किलो दूध मुड़ कैसे गया? बस भाई यार नाली में पैर मुस गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो नहलाते वक्त पैर खोलते बंद दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, खोलती बंद। तो 15 किलो दूध था ई भैंस में, 11 किलो। हाँ भाई जी, कौन सा ब्यात में है? ब्यात भाई अपनी मन मर्जी का लगाओ, कोई सा भाई चौथा लगाओ पांचवा लगाओ जो भी अपना मन मर्जी का लगा लो भाई। दसवा मानो मेरे चाहे दसवा मानो भाई। हाँ जी, साथ में बच्चा क्या है इसके? इसके भी फीमेल काफ है भाई। फीमेल काफ है। हाँ। तो रेट क्या रहेगा भाई सब इसका? इना जय सिंह भाई आज 85,000 रुपया की दिया। केवल 85,000 रुपये में सेल कर दोगे? 20-25 दिन की ब्याई बताई क्या? ना 18-20 दिन। 18-20 दिन की ब्याई है, फीमेल काफ है। तो वापिस बना देगी 15 किलो दूध? हाँ, पैर जैसे पैर ठीक होगा जरूर बनाऊंगा भाई। तीर तो थोड़ा लचक दिखा रही है, ज्यादा नहीं दिखा रही। हाँ भाई जी। तो 5 नंबर पे है एक बहुत ही अच्छी बिल्कुल छोटा सिंह की जोटी है, वो आप देख पा रहे हैं भाई। और जो हाइट लंबाई बहुत ही शानदार जोटी, चौड़ी पीठ की। और टैल में क्या दिक्कत है भाई साहब इसका? भाई जय सिंह कैल इसकी है, एक भैंस ने पैर रख दिया टैल पे। अच्छा, पैर रख दिया। हाँ, तो या थोड़ी कट गई नीचे था। अच्छा अच्छा, नीचे से 2-3 इंच कट गई। 2-3 इंच टैले कट गई भाई। हाँ भाई जी, बिल्कुल छोटा सींग, लंबी गर्दन, पीठ पुट्ठा काफी शानदार है, अडर भी है, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा अडर का जो पशुधन है जी। और न जो हाइट और लंबाई में कोई छोटी मान के मत समझना भाई, बहुत ही अच्छी हाइट लेंथ की जोटी है और बिल्कुल छोटा सिंह। कौन सा ब्यात में है भाई साहब? यहाँ ब्यात भाई कोई सा लगा लियो इसका? नहीं, कोसा कैसे लगा लियो भाई? तीसरा बता रहा था मालिक। अच्छा, तीसरा मालिक बता रहा था। हाँ। तो लग भी तीसरे ब्यात में रही है भाई। हाँ। एक बार और खोल लें भाई इसको, जो अडर है वो दिखाऊंगा भाई इसका पशुधन का जी। बिल्कुल टाइट अडर का जो पशुधन है। और रोक ले भाई, रोक ले। ये देखिए जी, जो नसें हैं अडर पे उभरती हुई और कल्ला कल्ला थन लग गया भाई। परली साइड ले जाओ भाई, जब बहुत ही अच्छा दोहरे मुठिया थन का बिल्कुल टाइट अडर का जो पशुधन है भाई, चौड़ी पीठ की, तीसरे ब्यात में। कितने दिन की ब्याई होगी भाई साहब? ये आज 9-10 दिन की ब्याई हुई जैसे। 9-10 दिन की ब्याई हुई है। तो हाँ। दूध कितना मौके पे? इसमें भी भाई जय सिंह 16-17 किलो दूध तैयार है। 16-17 किलो दूध? हाँ, 17+ कर गई थी भाई। अच्छा। या कल ने फिर इसका यो थोड़ा पुंजड़ कट गई ना थोड़ी इसकी। अच्छा, काली सी मान ली। अच्छा अच्छा, काली सी मान ली। 2 इंच टैल इसकी कटगी। हाँ, 2-3 इंच। दार चुवाई की कैसी है भाई? दार चुवाई बहुत बढ़िया भाई। अच्छा अच्छा, तो मोल भाव क्या रहेगा भाई साहब? इसने भी 1.5 लाख रुपया की देते हैं। 1.5 लाख रुपये की सेल करनी है। हाँ। तो ई बीच में दूध कितना बताया आपने तैयार? 16+ है भाई। 16+ दूध मौके पे तैयार है। ब्याई कितनी होगी? 9-10 दिन। 9-10 दिन की ब्याई में। और मेल काफ है नीचे। साथ में कटड़ा है। 9-10 दिन की ब्याई में 16 किलो दूध मौके पे तैयार है। दूसरे ब्यात में 19-20 किलो दूध निकाल रखा भाई। दूसरे ब्यात में 19-20 किलो दूध इसने निकाल रखे। निकाल रखा भाई जी। तो अब की बार तो और ज्यादा दूध निकालना चाहिए था इसने। देखो भाई, अभी 9-10 दिन की ब्याई है। हाँ, कण का छटा हुआ होगा। हाँ, और जैसा दूध, जैसा पशु की तैयारी अभी आई है, भैंस घास भी, घास पर भी गैस कम लग रही है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, तो अभी थोड़ा ओपरापन कर रही है। ओपरापन भी कर रही है भाई। और एक बार जब पशु 5-10 दिन तो लेवा है सेट होने में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आज की वीडियो में 5 ही पशुधन है। हाँ, आज की वीडियो में 5 ही पशुधन जी भाई। काफ़ी अच्छा जो पशुधन है भाई के पास में देखने को मिला। और दोपहर के समय जो वीडियो कवर कर रहे हैं, और जो ये जो 5 नंबर वाली जोटी और जो 1 नंबर वाली जोटी है जी, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा पशुधन है भाई। और कोई भी भाई अपना आए 2 से 3 टाइम अपना हाथों से चुवाई करके फिर पशुधन को खरीद लें भाई, बाद में ये ना बोले भाई हमारे साथ में ये। हाँ भाई, यार देखो जी, याड़े देखो भाई जैसे 2 टाइम 4 टाइम 10 टाइम देखो याड़े। तो जिम्मेवारी केवल अपनी यहाँ की है। यहाँ की जिम्मेवारी, यहाँ तक खुलने के बाद कोई जिम्मेवारी नहीं भाई। जो दूध बता रहे हो भाई साहब, इसमें जिस तरह मतलब
कोई भाई आए तो कम ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना? कम ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। भाई कुछ प्लस मिला तो भैंस ने लेगा, घट पाओ तो छोड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, तो रेट है वो भाई साहब फिक्स है? को मान फिक्स सम्मान? रेट है भाई, अपना जो फरोती का मान सम्मान होगा वो मान सम्मान करेंगे भाई। तो भाई ने साफ सुथरी बात बता दी भाई, अपना पशुधन के पास में आए, दो टाइम तीन टाइम चुवाई करे, जब तक अपना पेटा ना भर जाए, पूरी संतुष्टि करके पशुधन को खरीदे भाई। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो पशुधन भाई के पास में देखने को मिला भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर कर दें भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी।